नमस्कार। जब रेल का पहिया रुक गया हो, जहाज रुक गया हो, परिवार के अंदर सारी गतिविधि रुक गई हो, सारा समाज रुक गया हो, सारा परिवहन रुक गया हो, हर घर का व्यक्ति रुक गया हो, इवन जब श्वास भी रुक रही हो, ऐसे से अगर नया फिर शुरू करना पड़े उसको नवसृजन कहा जाता है। जब सबसे पूरी परंपरा को फिर से विकसित करना पड़े उसको नवसृजन कहा जाता है। आज बात करूंगा मैं भारत के नवसृजन का, सही वक्त यही है, यही है राइट टाइम। अब भारत को किधर लेकर जाना है। एक समय आया था 1947 में जब हमें अपने देश को नवसृजन करना था, तब भारत में अंग्रेजों से हटकर हमारे पास हमारी परंपराएं आई थी। उससे पहले एकदम 5000 वर्ष पहले जब युधिष्ठिर के समय पर जब महाभारत हो गया था, तब फिर से नवसृजन का वक्त आया था और भारत की परंपराओं को स्थापित किया गया था। शिवाजी महाराज के समय पर भी नवसृजन का समय आया था और फिर से नई परंपराओं को स्थापित किया था, वो परंपराएं जो ध्वस्त हो गई थी। ठीक उसी प्रकार से यह फिर एक वक्त आया है जब हम भारत का नव सृजन करें। वो क्या क्या नव सृजन है और क्या नव सृजन हो सकता है, क्या नव सृजन करना चाहिए और क्या था जिसमें जरूरी है बदल करना, ऐसी महत्वपूर्ण बात आज आपके मेरे साथ आपको शेयर करूंगा। तब भारत इससे पुराना समय अगर देखें, पिछले 50 साल 70 साल पुराना अगर समय देखें, तो भारत ने अपनी दिशा भारतीयता के आधार पर नहीं रखी। भारत ने अपनी दिशा गौरव के साथ वाली नहीं रखी। भारत ने अपनी दिशा रखी नकल पर आधारित। भारत ने दिशा रखी भारतीयता से हटाकर। इसलिए भारत का व्यक्ति भारत से हटकर कुछ और सोचने लगा और उसका परिणाम क्या आया। गांव आधारित जो हमारा देश था, गांव पर आधारित जो हमारा देश था, वो शहर की तरफ चल पड़ा और गांव पर आधारित जो व्यक्ति था वो दुनिया के अंदर, उसको दुनिया भारत नहीं अपना भविष्य नजर आता था। जिस देश को दुनिया देखती थी, भारत का व्यक्ति अपने को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करता था। भारत का ज्ञान, भारत में उसको लगता था यहां मेरी क्षमताओं का विकास नहीं है और इसीलिए वह देखता था अमेरिका को, वह देखता था किसी और देश को, यानी बाहर ही मेरे लिए जीवन है। और भारत में रहने वाला व्यक्ति इस स्थिति में आ गया, उसको श्वास लेने की तकलीफ, उसको पानी पीने की तकलीफ, उसको भोजन करने की तकलीफ, यानी भारत के अंदर कितना भयंकर हाल हो गया। आज कोरोना जैसी महामारी में हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग उससे प्रभावित हो गए। ये केवल और केवल भारत को भारतीयता की तरफ न ले जाकर नकलची बनाने देने की तरफ ले जाने के कारण से ऐसा हुआ, इंडस्ट्री के कारण से हुआ। इसीलिए वैद्य वैद्य नहीं रहा, डॉक्टर लुटेरा बन गया। ध्यान रखना, किसान किसान नहीं रहा, फसल में जहर डालने वाला बन गया। दूध या दूध नहीं रहा, दूध वाला नहीं रहा, उसमें पानी और बहुत सारी पेस्टिसाइड्स मिलाने वाला बन गया। ध्यान रखना, शिक्षक शिक्षक नहीं रहा, एजुकेशन एजुकेशन नहीं रही, एजुकेशन भी लूट का, बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण बन गई। तो जिस देश की इच्छा बेरोजगार, जिस देश की शिक्षा बेरोजगार बना, बेरोजगार लोगों की फौज खड़ी करती हो, जिस देश का स्वास्थ्य सिर्फ सामने वाले को लूटने का काम करता हो, और जिस देश का व्यापार केवल और केवल नेट प्रॉफिट पर ध्यान रखता हो, भाग जाए सामने वाला, भाग में जाए परिवार, मुझे सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए, वह देश विकसित नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं सारी परंपराओं को, सारे तरीकों को फिर से सोचने की आवश्यकता है और सोचना चाहिए और सोच रहे हैं। और इसके लिए तीन लाइन बता रहा हूं किस लाइन पर जाना चाहिए। तो पहली लाइन, ग्राम केंद्रित हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का विकास होना चाहिए गांव केंद्रित, हिंदुत्व पर आधारित
हमारे देश की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए हिंदुत्व पर आधारित और स्थानीय और पारंपरिक तरीकों पर आधारित हमारे देश का ज्ञान और विज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखना, पारंपरिक, वैदिक, स्थानीय, हिंदुत्व पर आधारित और ग्राम केंद्रित व्यवस्था ही हमारे देश को न फिर से परम वैभव की तरफ लेके जा सकती है, अपितु दुनिया का विश्वगुरु, विश्व का गुरु भारत फिर से खड़ा होगा। जब गांव खाली हुआ तब हम विश्वगुरु नहीं, विश्व के नौकर बन गए। मेरे गांव का गरीब दर दर भटकने की नौबत पर आ गई, मृत्यु आपने सब देखा, इस डिटेल में जाने वाला नहीं हूं। तो इस आधार पर हमारे देश को आगे विकसित करना होगा, तो कैसे करना होगा इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। शिक्षा कैसी, तो शिक्षा होनी चाहिए जीवन मूल्यों पर आधारित, कौशल विकास केंद्रित। जीवन मूल्य होने चाहिए और कौशल विकास, एजुकेशन कैसी हो जिससे व्यक्ति जीवन मूल्यों को डेवलप कर सके और अपने घर परिवार का पोषण कर सके। अल्टीमेटली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ हैं जिनको पूरा करने वाला ये शिक्षा होनी चाहिए, यही है ज्ञान। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थों को जागृत करे वह शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, शिक्षा का मतलब साइंस नहीं है, शिक्षा का मतलब सोशल साइंस नहीं है, शिक्षा का मतलब इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। यह एक छोटा पार्ट है, ध्यान रखना। शिक्षा का अर्थ है जीवन मूल्य पहले, आदत पहले, बाद में कौशल विकास, वह सीख करके कुछ करने वाला बने। शरीर को ठीक करने वाली, मन को ठीक करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। आज आईएएस करने वाला बच्चा डिप्रेशन का रोगी होता है, हाथों में पसीने छूटते हैं। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स सबसे ज्यादा रोगी मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। क्यों? 18 घंटे की पढ़ाई तो की, शरीर को बर्बाद करके। जब वो अपने टेंशन रिलीज करने के लिए कौन कौन से तरीके निकालते हैं, गलत आदतों को निकालते हैं, ये सारे शिक्षा जानने वाले लोग जानते हैं। विद्यार्थी का क्या हाल है, चरित्र से गिर गया विद्यार्थी, कैसा विद्यार्थी देश को विकसित करेगा, क्या सोच सकता है वो देश के बारे में, जो खुद ही अपना इसका पतन हो गया। तो शिक्षा होनी चाहिए जीवन मूल्यों पर आधारित। फिर शिक्षा के संस्थान लुटेरे नहीं होने चाहिए पैसा लूटने के लिए। आज विद्यार्थी को कैसे भी तो पटाया जाए, टीचर्स की डंडे, यानी वो गुरु जो अंदर उसको थप्पड़ मार करके ठीक भी ना कर सके, वो शिक्षा कैसी। अंदर हाथ सहारे दे, बाहर बाहर ठोक, शिक्षा ऐसी चाहिए। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ मारे ठोक, अंदर हाथ सहारे दे, अंदर हाथे का सहारा देता है, बाहर बाहर ठोक, ऐसी शिक्षा, ऐसा गुरु हमें ये डेवलप करनी होगी, करनी ही होगी, इसके बनावा हम कुछ और जा नहीं सकते। शिक्षा तो व्यवसाय, यानी हमारी वो जो होनी चाहिए स्किल्ड और मॉरल वैल्यू पर आधारित एजुकेशन होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य की दिशा जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य होना चाहिए भारतीय आधारित, पारंपरिक चिकित्साओं पर आधारित, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के अलावा जितनी भारत की पारंपरिक चिकित्साएं उन पर आधारित होने चाहिए। पश्चिम की चिकित्सा के आधार पर बिल्कुल भी भारत का स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। दिनचर्या यही ठीक कर सकती है, नहीं तो गोली खाओ, शुगर बढ़ाओ गोली खाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ाओ गोली खाओ, हार्ट की टेंशन गोली खाओ, और गोली का साइड इफेक्ट हो तो फिर से गोली खाओ, नहीं नहीं नहीं। और एक घुटना 3 लाख 5 लाख रुपए में सौ सर्जरी हो, सामने वाला का क्या हाल। इसीलिए अगर शमशान घाट भी ठेके पर उठा दिए जाए तो शाम को नेट रेवेन्यू कितना आया, कितने लोग मरे, यही आएगा ध्यान में। इसीलिए हॉस्पिटल्स नहीं, आरोग्य केंद्र चाहिए। हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आरोग्य केंद्र चाहिए, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम किया जाता हो। मात्र गोली देकर के शरीर को इलाज कर दिया जाए, ऑपरेशन करके कर दिया, नहीं 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 नहीं, केवल ये नहीं, यह भी हो लेकिन केवल यही ना हो। तो पारंपरिक चिकित्साएं, धनी है भारत, मंत्र चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, रंग चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, और कितनी चिकित्साएं भारत के अंदर भरी पड़ी है। एक मंत्र से इतना फास्ट रिजल्ट आता है, मैं खुद जानता हूं, मैं खुद मंत्र का चिकित्सक हूं।
अरे मैं जानता हूं, मैं खानदानी हूं इस चीज का, कितना गजब है, लेकिन कौन वैल्यू देता है आज? फिर से शुरू करने की जरूरत है। तो पारंपरिक चिकित्साओं को फिर से विकसित करके उनको स्किल्ड मैन की तरह से लेकर जाएं। हां, अनुसंधान हो, रिसर्च हो, ये बहुत आवश्यक है। केवल पश्चिम पर आधारित मॉडर्न एलोपैथी का दशा नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत का विकास होना चाहिए, भारत पर आधारित, हिंदुत्व पर आधारित। तो यह था फिर व्यवसाय कैसा हो। अभी व्यवसाय कैसा है? एक दूसरे को लूटकर अपनी जेब करना, अपना भला करना, आज का व्यवसाय सिर्फ यही है। हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो नेट प्रॉफिट चाहता है, सामने वाला जो भाड़ में। अगर बाप बेटे भी बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग, एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। कॉमर्शियल टर्म्स कंडीशंस भारत ने यह कभी नहीं देखा। भारत ने व्यवसाय किया है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय भारत, दुनिया का सबसे ज्यादा अभ्रक पैदा करने वाला, कोयला पैदा करने वाला, खनिज लवण पैदा करने वाला, प्रकृति का धनी देश, प्राकृतिक धनी का देश। कैसी रंग बिरंगी 6 ऋतुएं इसके अंदर है, 7 स्वर इसके अंदर है, इस देश के अंदर, जिस देश ने दुनिया को जीरो दिया हो, ऐसा देश जिसने धरती से लेकर आसमान की सारी दूरी नापी हो, चंद्रमा की, सूर्य की कलाओं को जानता हो, जब देश, उस देश को शिक्षा और देश का स्वास्थ्य और देश का व्यवसाय किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं। हमें हमारे पास हमारे ज्ञान को, भंडार को खोलने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, वैसी उन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसीलिए व्यवसाय, फिर देश का स्वदेशी व्यवसाय हो, लोकल आधार पर डेवलप किया हुआ हो, ग्राम केंद्रित हो, गांव के विकास को करने वाला व्यवसाय हो, गांव से शहर। ध्यान रखना, गांव अगर आत्मनिर्भर होगा, हमारा व्यवसाय का मेन केंद्र क्या था, जो बॉडी का सेल होता है ना सबसे छोटी गाय, ऐसा जो गांव है, गांव से ही सारा किसान ही हमारा सब कुछ उत्पन्न करने वाला, अरे किसान पर आधारित हो, हमारा व्यवसाय खेती पर आधारित है, आत्मनिर्भर बनाने वाला। बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, हमारे देश को स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनेंगे जब गांव विकसित होगा, किसान विकसित होगा, वहां की पुरानी सारी पारंपरिक तरीके फिर विकसित होंगे। गांव का लोहार खड़ा हो, गांव का कुमार खड़ा हो, गांव में जितने काम थे, जातियां बदल सकती हैं, व्यवसाय नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। इसलिए व्यवसाय देश व समाज के आर्थिक विकास को उन्नत करने वाला होना चाहिए, देश के बाहर जाने की सोच रखने वाला नहीं, गांव शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर के विदेश जाने की मानसिकता नहीं, गांव को विकसित करने वाली हो, ऐसा एक दूसरे का पूरक हो, ऐसा व्यवसाय बने। व्यवसाय में अंधी दौड़ न जाए, इंजेक्शन लगा करके फल बड़ा करना है, सब्जी बड़ा करनी है, यह सोच ना उसकी हो, ऐसा व्यवसाय। इसलिए मैंने कहा एक दूसरे का पूरक, ग्राम विकास पर आधारित MSME माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को खड़ा करना, ध्यान रखना, सूक्ष्म लघु उद्योग, इनका विकास, यह गांव का विकास है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सौभाग्य से MSME सेक्टर को बहुत बड़ा पैसा दिया है, यही MSME सेक्टर गांव का किसान है, गांव का मेरा कामगार है, वो वनवासी है, वो आदिवासी है, जिसको विकसित करना है उसके पास जाकर। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन गांव के किसान को खत्म कर नहीं होना चाहिए। गांव का किसान रॉ मटेरियल तैयार करे, उसके हिसाब से इंडस्ट्री डेवलप हो और उसका व्यापार विदेश में हो। शहर कैसा होना चाहिए? तो शहर प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, शहर प्रकृति का पोषक होना चाहिए, प्रकृति का शोषक नहीं, सारे गंदे पानी केमिकल साफ साफ नदियों में डालने वाला होना चाहिए ना, शहर गांव का पोषक। और क्या होना चाहिए? शहर गांव और दुनिया का एक यूनिट होना, मिडिल केंद्र होना चाहिए, गांव की चीजें शहर के माध्यम से दुनिया में जा रही हैं, ऐसा शहर होना चाहिए। गांव को चिढ़ाने वाला शहर नहीं होना चाहिए, इवन गांव का रेस्पेक्ट करने वाला शहर होना चाहिए। आज शहर गांव को चिढ़ाता है, ड्रेस पहनकर, एसी पहनकर, ढेर सारी चीजों के कारण से गांव के अंदर किसान को बेइज्जती महसूस होती है। नहीं नहीं नहीं, गांव शहर का पूरक होना चाहिए, और इसीलिए शहर जो है वो गांव का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे को पूरक होने चाहिए, इसीलिए गांव की उसकी व्यवस्था। और भारत की टेक्नोलॉजी कैसी हो, भारत का ज्ञान विज्ञान कैसा हो, जैसा मैंने कहा ना, ब्रह्मास्त्र दुनिया को हमने दिया है, जीरो हमने दिया है,
सारे जितने भी युद्ध कलाएं हमने दिए, व्यापार कलाएं हमने दिए, वास्तु कलाएं हमने दिए, अभ्रक यानी दिल्ली की जो सोने अपनी दिल्ली की जो लाठ है ना लोहे की, लोहा ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर कभी जंग न लगे, ऐसा उद्योग भारत कर रहा है। भारत अपने ज्ञान विज्ञान को पहचान कर अपने को विकसित करे तब फिर दुनिया के अंदर नंबर एक होगा। ध्यान रखना, दिल्ली कुतुब मीनार के अंदर जो लाठ है वो धातु से बनी है, कितने सौ वर्षों पुरानी है, चाहे उस पर धूप भी रहती है, बरसात भी रहती है, सर्दी भी रहती है, लेकिन टिल टुडे आज तक भी जंग नहीं लगी। ऐसा विकास भारत का होना चाहिए, भारत पर आधारित विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए। हमें अपनी वैदिक टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। यहां ध्यान रखना, बहुत महत्व की बात कर रहा हूं, पश्चिम की टेक्नोलॉजी फेल है, फेल है, फेल है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी और पश्चिम की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिम की जो लेबोरेटरी है वो अधूरी है, वो मात्र मात्र और मात्र भौतिक आधार पर है। जो कैमरे में आ सकता है उसी के अंदर रिकॉर्ड कर सकती है। भारत की टेक्नोलॉजी कैमरे से भी हजार गुना ऊपर, ऐसी टेक्नोलॉजी भारत की है। ध्यान की गहराई में जाकर के चंद्रमा पर क्या हो रहा है ये भारत के लोगों ने हजारों वर्ष पहले रिसर्च कर दी। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, यहीं से बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरे डेवलप किए भारत ने। महाभारत का युद्ध संजय ने धृतराष्ट्र के साथ बैठ करके ही सबको दिखा दिया, दिव्य दृष्टि। क्या टेस्ट हो सकता है दिव्य दृष्टि के बारे में? नहीं हो सकता। इसीलिए भारत की टेक्नोलॉजी, रामायण के अंदर जो जहाज था, जो हाँ आप सब जहाज देखते हैं, लंका से अयोध्या में भगवान श्री राम सीता जी को जब वापस लेकर आए थे वो जहाज, ध्यान रखना, रामगोपाल दीक्षित की कार में बिठा के नहीं लाए थे, नरेंद्र मोदी जी के वो स्कॉट्स में नहीं बिठा के लाए थे, और नहीं बिठा के लाए थे अमेरिका के राष्ट्रपति के जहाज में। वो भारत का जहाज था, भारत की टेक्नोलॉजी थी, और उसकी विशेष बात यह थी न वो प्रदूषण करता था। भारत की टेक्नोलॉजी के ध्यान रखना, भारत की टेक्नोलॉजी प्रकृति की पूरक टेक्नोलॉजी है, पश्चिम की टेक्नोलॉजी प्रकृति की शोषक है। जो आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, आगे चलती है, पीछे धुआं फेंकती है, सामने वाले के थोबड़े को काला कर देती है, जितना आगे जाता उससे ज्यादा विनाश। आपको लगता है आनंद आया, आनंद नहीं आया, दूसरे वाले का बेड़ा गर्क कर दिया। पश्चिम की टेक्नोलॉजी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, प्रकृति को धोने वाली है। भारत की टेक्नोलॉजी को विकसित करें, चाहे वो भवन निर्माण की हो, चाहे वो कंपनी की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो खेती की टेक्नोलॉजी हो, भारत की टेक्नोलॉजी पर ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी वसुधैव कुटुंबकम, प्रकृति का पोषण करने वाली, उस पर आधारित है, भंडार है, रिसर्च करो, फिर से रिसर्च करने की जरूरत है। तो भारत की जब ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब अब स्थानीय होंगे। अब मैं आपको इस सारी बातचीत के कुछ नटसेल में बात कर रहा हूं, कुछ चीज आगे जाएंगी, लेकिन आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या करने वाले इसमें रोकदार? ये तो मैंने जो बात की ये शायद प्रधानमंत्री के लिए बात हो गई होगी, देश के नीति निर्धारकों के लिए बात हो गई होगी, जो मेरी बातें बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी के लिए बात क्या कर रहा हूं, आप ध्यान रखो जो आपके लिए बात बोल रहा हूं। आप अगर गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, तो आप ध्यान रखना, अपने जुम्मे काम है, जब हम इनको प्रोत्साहित करेंगे तभी तो निकलेंगे मेरे भैया। इसीलिए लोकल पर ध्यान केंद्रित करो। क्या आपने आज जो चीजें खरीदी वो लोकल थी या बाहर वाली थी, चकाचौंध वाली थी? नहीं, लोकल पर ध्यान करो, स्थानीय। आज आपने उपचार कराया, ट्रीटमेंट कराया, वो बाहर वाला था या स्थानीय? लोकल को आपने महत्व दिया, आपने किसको महत्व दिया? गांव करे सो राम करे, इस बात को बताऊंगा मैं। आज आपने कोई भी चीज जो स्थानीय परचेज की वो लोकल की, स्थानीय की। आपने स्वदेशी चीज को परचेज किया या विदेशी चीज को परचेज किया? अगर आपने स्वदेशी को परचेज किया, स्थानीय को परचेज किया, तब आपने जो वह बात बोल रहा हूं और जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तब शुद्ध रूप से आपने सुना और इधर से कान में से निकाल दिया। इसीलिए मैं ये बोलता हूं
पुरानी नींव नया निर्माण। पुरानी भारत की परंपराएं, पुरानी नींव, नींव कैसी है, पुरानी है, नया निर्माण करना है, आधुनिक रूप से निर्माण करना है, वैज्ञानिक रूप से निर्माण करना है, वैदिक रूप से निर्माण करना है, गांव केंद्रित निर्माण करना है, हिंदुत्व पर आधारित निर्माण करना है, प्राचीन परंपराओं को विकसित करते हुए निर्माण करना है। यही भारत की आज की आवश्यकता है। आज हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमें फिर शुरू करना है, फिर शुरू करना है। फिर 1947 है हमारे लिए, फिर महाभारत होने के बाद वाला फिर से वही देश है, देने हमारे लिए। सब कुछ क्लीन है, सब कुछ प्लेन है, सारी इंडस्ट्री प्लेन है, सारी नदियां प्लेन है, सब कुछ शुद्ध है। आज कैसा लिखना है हमने और आपने मिलकर तय करना है। तो मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोलकर गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया शेयर करो, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे मेरे देश के नीति निर्धारकों को और मेरे देश की कॉमन जनता को, मेरे देश के एजुकेशनिस्ट को, शिक्षाविदों को, या मेरा संदेश, मेरा वीडियो उन तक पहुंचे, बस ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। इसीलिए आपको अगर अच्छा लगता हो एक शेयर आप जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को एक व्यक्ति तक आप जरूर भेज दीजिए, बस इतना ही करिए आप। क्योंकि अंतिम बात करता हूं मैं आपको और अपनी बात को समाप्त करूंगा। ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तब महंगी महंगी टिकट लेकर लोग खरीद लेते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं और स्टेडियम में महंगी टिकट लेकर स्टेडियम चले जाते हैं, नौकरी छोड़कर के घर में आ जाते हैं। लेकिन मैच को हार से जीत में बदलने का काम कौन करेगा? क्या वो महंगी टिकट लेकर स्टेडियम में जाने वाले या घर बैठने वाले लोग? नहीं कर सकते। तो मैं पूछता हूं, क्या एम्पायर कर सकता है? नहीं कर सकता, केवल और केवल खिलाड़ी ही कर सकता है। इसीलिए खिलाड़ी की भूमिका हमारी हो। और महाभारत से एक बात सीखने की आवश्यकता है, अंतिम बात है ये, उस राज्यसभा के अंदर जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ वहां सब थे, भीष्म पितामह भी थे, कुलगुरु कृपाचार्य भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, सारे बड़े बड़े योद्धा विद्वान सब थे, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब सज्जन शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, जब सज्जन शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, केवल दृष्टा बन जाती है, तब ध्यान रखना द्रौपदी का चीरहरण होता है और उसका परिणाम महाभारत होता है। आप अगर अपने को सज्जन मानते हैं तो यह वक्त ऐसा है इस भारत के नव सृजन में अपनी सक्रियता को दिखाएं, अपनी सक्रियता पैदा करें। जो मैंने आपके साथ बात की है, स्वदेशी, स्थानीय, भारत की बात, हिंदुत्व की बात, लोकल परंपराएं, भारतीय चिकित्सा, इनको आपने कितना महत्व दिया और ये जो वीडियो आपने कितने लोगों को शेयर किया, यही हमारे और आपके इस सारे संवाद का एक आधार बनेगी। भारत का नवसर्जन होना ही है, करना ही है, इसके अलावा कुछ और मार्ग ही नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। याद रहे, यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।